हेलो फ्रेंड्स, अखिल पांडे शो 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रवास का राधेश्याम का जो ट्रेलर है वो आ चुका है। अभी तक उससे रिलेटेड जो भी ग्लिम्स, फर्स्ट लुक या छोटा मोटा वैलेंटाइन के टाइम वीडियो, सॉन्ग्स जो भी हमको देखने मिले थे, अभी तक स्पेसिफिक था प्रवास और पूजा हेगड़े का कैरेक्टर को लेके। अभी तक जो भी इसमें अगर डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं उनको नहीं दिखाया गया, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और भी जो बाकी इसमें कैरेक्टर्स है उनके बारे में भी जानने मिले। क्योंकि अगर ये सिर्फ रोमांटिक मूवी ही नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, क्योंकि राधेश्याम नाम जरूर है, सिर्फ रोमांटिक नहीं हो, क्योंकि राधेश्याम के बीच में भी बहुत सारा मिस्ट्री रहता ही रहता है इसमें। फिर हमको स्पेसिफिक दिखाया भी जा रहा पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड टाइम का दिखा रहे, तो लगता है कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, डिफरेंट कैरेक्टर जरूर होंगे इसमें। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ये लास्ट अपडेट होगा राधेश्याम टीम से, क्योंकि 11th मार्च को रिलीज होने वाला है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ डिफरेंट हमको ट्रेलर में देखने मिले। तो दोस्तों, देरी नहीं करते हैं, राधेश्याम का जो रिलीज ट्रेलर है ये देखते हैं और अपना रिएक्शन देते हैं। आइए दोस्तों, हमें लगता है कि हम सोच रहे हैं लेकिन हमारी सोच भी पहले से ही लिखी है। सोच भी पहले तो हाथ देखकर फ्यूचर बताने के साथ साथ टोन सुनकर पास भी बता देते हो क्या? सचिन, अब इनकी डेथ की वजह, जगह और तारीख भी बता दो। फिर से पढ़ो मेरा हाथ, दूसरी बार पढ़ने की आदत नहीं है मुझे। तो है भाई, स्पोर्ट्स भी नहीं है। अरे सबको टेंशन है उनका पढ़ के जान के। प्यार के बारे में आदित्य का प्रेडिक्शन गलत है। ये कहानी एक जंगल है प्यार। अमिताभ जी का आवाज है नरेशन। ओ भाई, अभी जाके कुछ डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हमको देखने मिला एंड समहाउ मुझे लगा कि जो भी कैरेक्टर दिखाया गया वो लोग सब एक तरह से यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि उनको वो जो प्रेडिक्ट किया है वो सच होगा बोल के, है ना? वैसे ही लग रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा गुस्सा में ऐसे ऐसे कर रहे थे, उनको यकीन नहीं हो रहा कि ऐसे कैसे बोल रहा है ये। वो किसी का मरने के बारे में बोल रहा था, एक तो शायद जो सचिन केलेकर जी का कैरेक्टर है या तो वो किसी बारे पता लगाने हैं। हाँ, तो हाँ। वो एक वो जब जगपति बाबू को दिखाया वो भी उनको क्या बोला, मैं एक बार हाथ देख लिया तो नहीं दिखूंगा, मानना ऑब्वियसली कुछ बुरा ही बोले होंगे, अभी वो टेंशन में है ना। एंड फिर वो लड़की को जो बोलते आर्चरी नहीं करने, सॉरी स्पोर्ट्स से दूर रहने, वो पता नहीं क्यों बोलते, उसका कैरेक्टर क्या है इन हिस्ट्री वो जानने के लिए होगा कोई ना कोई जरूर, क्योंकि होगा कहीं ना कहीं लिंक ऐसा। एंड सेम चीज अगर वो पूजा हेगड़े को भी बोले होंगे प्यार से रिलेटेड, है कि ऐसा तो नहीं है पूजा हेगड़े ये जगपति बाबूजी या जो सचिन खेड़कर का कुछ लिंक है क्या ऐसा? पता नहीं। इसमें हमको दोस्तों सरप्राइजिंग कटप्पा भी दिखे, सत्यराज जी थे, हमको मालूम नहीं था वो कुछ ना कुछ पंडित बने हैं, उनका क्या रोल है वो भी देखना है। इसमें डिफरेंट था शिप का जो रेकिंग सीन है, जो फाइट सीन या जो भी उसका ब्लास्ट का सीन है, मुझे लगता है बहुत हाईलाइट होने वाला है ये ट्रेलर। दोस्तों बहुत अच्छा दिखा है, रोमांटिक और लव कम थ्रिलर ज्यादा लगा है ये ट्रेलर में, जानने का मन हो रहा है मूवी में और सब चीज जो है वो दिखाया है। वो दिखाया है, वही अच्छा लग रहा है कि अब वो देखने का मन हो रहा है, क्योंकि मल्टीपल कैरेक्टर दिख रहे हैं, मल्टीपल कैरेक्टर्स का एक प्रॉब्लम दिख रहा है हमको। हाँ। वो कैसे इससे बदला लेंगे, गुस्सा है क्या है चेंज, क्योंकि ना बोलते हैं जैसे बटरफ्लाई इफेक्ट जैसा ही, कि अगर तू यहाँ पे कुछ चेंज करने गई तो वहां पे चेंज होता है, अफेक्ट होता है। तो ये लोग अगर अपना बचने या नुकसान से बचने ट्राई कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ जरूर चेंज होगा, वही देखने मिलेगा। दोस्तों देखते हैं, ये तो बहुत अच्छा लगा है, ये जो स्मॉल क्रिस्प ट्रेलर था लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग भी था। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मूवी जब आया 11th मार्च को ब्लॉकबस्टर साबित रहे। तो ठीक है दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर।